लिए जो विदेशी दवाई से ऑपरेशन हो चुकेगा आपको 4,20,000 रुपया लगेगा। अब हम गरीब आदमी कहाँ से चाहे। आप कहाँ से हैं? बिहार से आए हुई हैं, इनके पोते की तबीयत खराब है, सीरियस है। कितने पैसे मांगा जा रहा है? 4,20,000। 40% काम कर रहा है। 40% काम कर रहा है। इनको डॉक्टर से दिखाए थे प्राइवेट, बोला इमरजेंसी में इनको ऑपरेशन इमीडिएटली कराना होगा, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 8,722 रुपए जमा करवा लिए। देखिए यहाँ पे जबकि इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जबकि आयुष्मान कार्ड में ये कहा गया कि आपको 5,00,000 तक मुफ्त इलाज होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं दिल्ली एम्स के पास, राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, और अभी हम इस बेसमेंट क्रॉसिंग कर रहे थे तो यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले। हम इनसे बात करते हैं कि लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, कैसा इलाज हो रहा है, चाहे एम्स की बात हो या फिर सफदरजंग हो। एक तरफ एम्स है और दूसरी तरफ सफदरजंग है। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अक्षिलाल। कहाँ से हैं आप? यूपी एटा कासगंज। क्या प्रॉब्लम है आपको? जी हमारी पत्नी के ट्यूमर है ये दिमाग में, उसका इलाज करवाने ऑपरेशन के लिए आए थे और वो अभी मतलब ये कर नहीं रहे हैं। पैसे भी देना पड़ता है आपको? ना पैसा नहीं लेते हैं वो लोग, वैसे ही। आयुष्मान कार्ड बना हुआ आपका? नहीं वो नहीं बना। देखिए ये अंकल हमारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। सोचिए जिसकी ज़रूरत है आयुष्मान कार्ड की, इनकी जो वाइफ हैं उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है और ये 3 महीना से यहाँ पे परेशान हैं, एम्स में यहाँ पे दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका इलाज नहीं हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि अभी भी कोई इलाज की मतलब संभावना नहीं दिख रही है और इनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना हुआ है। 3 महीना से यहाँ पे एम्स का चक्कर काट रहा है, इनका अभी तक इलाज नहीं हो पा रहा है, इनका अभी तक आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है। भारत सरकार कहती है कि 32 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है, जिसमें 22 करोड़ लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन इन चाहतों को कितनी ज़रूरत है इसकी आयुष्मान कार्ड की, इनको बाहर पैसा देना पड़ता है, लेकिन फिर भी इनको अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफ्तखार। कहाँ दिखा रहे हैं, एम्स में कि सफदरजंग में? अभी कहीं दिखा रहे, वहाँ का ऑपरेशन होगा। पैरों से चला नहीं जाता, ये प्यालियाँ बेकार हो गई, ऑपरेशन बताया दोनों प्यालियों का ऑपरेशन बताया है इसका। अब 3-4 लाख रुपए में कहाँ से लाऊँ? आयुष्मान कार्ड बना है आपका? हाँ है मेरा। तो सरकार तो करिए 5 लाख रुपये आपको मुफ्त में इलाज हो जाएगा, तो फिर चेक कराइए, फिर जाइए हॉस्पिटल में। कहाँ पर कराऊँ, क्या करूँ, मैं जानता नहीं, चेहरा फिर जाने रहे मुझ पर। एम्स मजे कोई आपके साथ नहीं है? नहीं, बच्चा है छोटा, और जे हाँ तो बच्चा घर गया। अब क्या बोल रहे? पैसे जमा कर लिए आँखों के, पैसे नहीं लगेगा ना, तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ ना आपका? 7,000 लिए, करीब 7,722 रुपये जमा करवा लिए एम्स में। हाँ एम्स में जमा करवाए, कार्ड मेरे पास रखा हुआ था सब बात। तो पैसा आपको देना पड़ा उसमें 7,000 रुपये? हाँ 7,700। देखिए इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन फिर भी इनको 7,800 7,722 रुपये इनको देना पड़ा एम्स में इलाज करने के लिए। देखिए यहाँ पे जबकि इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जबकि आयुष्मान कार्ड में ये कहा गया कि आपको 5,00,000 तक मुफ्त इलाज होगा, इसके बावजूद 7,500 रुपये इनको जमा करना पड़ा है। ये रखिए, देखिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पे हैं। ये एम्स के जाने का रास्ता है, सामने आपका बाहर निकलेंगे तो आपको एम्स मिलेगा और ये आपका क्रॉसिंग है जहाँ से हम एम्स की दूसरी तरफ हम जाते हैं, और तमाम लोग यहाँ पर हैं यहाँ पे इलाज करने के लिए। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम लोग आपको दिख पा रहे होंगे, लोग इलाज करने के लिए दूर दूर से अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं, लोग इलाज करा रहे हैं अपना। क्या नाम है? मैं राजुल। कहाँ से है? बिहार से। क्या प्रॉब्लम है? वो मरीज के लेके आए। क्या नाम है? शहबाज आलम। एक्चुअली हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं कि किसको जो प्रॉब्लम है, समस्या है, कहाँ पे चेकअप करा रहे हैं, कुछ पैसे तो नहीं लग रहे हैं कोई भी, जैसे आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ है उसके बावजूद भी पैसे लग रहे हैं तो? पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए डेट नहीं मिल रहा है। कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं? यही एम्स में, डॉक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर देव गुरु के पास दिखा रहे हैं। वो ऑपरेशन के, इनका 3 चैम्बर ब्लॉकेज है हार्ट का, और ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद का डेट खाली है, 5 साल के बाद। 4 साल बाद? 4 साल बाद आओगे ऑपरेशन के लिए। अरे आप परेशान हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, पूरा परेशान है, कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ 1.5 महीने से पड़े हुए हैं।
फिर भी लाइन बोल रहे हैं 4 साल बाद आपका नंबर आएगा। हाँ, 4 साल के बाद आओगे तब अपॉइंटमेंट देंगे, तब डेट मिलेगी। वो लिख के भी नहीं दे रहे हमें, हमें लिख के भी नहीं दे रहे कि हम कहीं और, वो कह रहे हैं तुम प्राइवेट में जाकर करवा लो, हम इतना हमारे पास वो नहीं है कि हम प्राइवेट में करवा पाएंगे। 3 चैम्बर 40% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है। इनको डॉक्टर से दिखाए थे, प्राइवेट में बोला इमरजेंसी में इनको ऑपरेशन इमिडिएटली कराना होगा, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया जा रहा है। ये फादर का 40% हार्ट ब्लॉकेज, ये अभी आ गए हुए थे। 40% नहीं, 80% हार्ट ब्लॉकेज है इनका, 60% और काम इनका जो हार्ट बीट है वो 40 से 50% काम कर रहा है बस। इलाज करने के लिए एम्स में नंबर लगाने के लिए गए थे, बोला जा रहा है कि 4 साल बाद आपको आना है, कोई सीरियस नहीं ले रहा है इलाज को, ऑपरेशन का डेट ही नहीं मिल रहा हम लोगों को, ऑपरेशन का डेट नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो 4 साल बाद बोला जा रहा है, वो भी लिख के नहीं दिया जा रहा कि 4 साल बाद भी दिया जा रहा है, 4 साल बाद भी नंबर आएगा। ये एम्स है, दिल्ली एम्स के पास अभी हम मौजूद हैं। 3 बार इनका हार्ट अटैक हो चुका है अब तक में, फिर भी नहीं लिया जा रहा है, फिर भी नहीं लिया जा रहा है। पैसे मांगते हैं डॉक्टर, कैसे कहते हैं जो खाले मोदी जी का पैसा से होते हैं। हम लोग का क्या नाम है आपका? हमारे नाम है चंद्र कला देवी, अंकित कुमार का अथी करवा रहे हैं, इलाज करवा। क्या नाम है? हमारे नाम है चंद्र कला देवी, और लड़का का जो परसेंट है उनको अंकित कुमार नाम है। क्या प्रॉब्लम है लड़के को? वो यहाँ पर गार्ड बन गए, नस सब जमा हो गया, उसे पैर से नहीं चल पाते, विकलांग थे हो गए। 1 साल से इलाज करते में डॉक्टर पहले नहीं बोले जो हाँ इनको अथी पर विदेशी दवाई से इनको ऑपरेशन होगा, अब 1 महीना पहले बोल दिया जो उनको विदेशी दवाई से ऑपरेशन हो चुकेगा, आपको 4,20,000 रुपया लगेगा। अब हम गरीब आदमी कहाँ से चार, आप कहाँ से हैं? हम हाजीपुर से है, वैशाली जिला से। ये बिहार से आए हुई हैं, अपने आपका लड़का है? पोता है। पोता है, बिहार से आए हुई हैं, इनके पोते की तबीयत खराब है, सीरियस है। कितने पैसे मांगा जा रहा है? 4,20,000। 4,20,000 रुपये मांगा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बाहर से दिखाना पड़ेगा, दूसरे देश से आएगा। हाँ, विदेश से दवाई या दवाई सुइया उनको आएगा सही। इनको ये बोला जा रहा है कि विदेश से दूसरे कंट्री से मेडिसिन आएगी उनके बच्चे के इलाज के लिए। इतना नहीं, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? हाँ, आयुष्मान कार्ड है। फिर भी पैसा मांगा जा रहा है? हाँ, आयुष्मान कार्ड नहीं लेंगे, बोले आयुष्मान कार्ड उसमें नहीं लगेगा कंपनी का। क्या नाम आता है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का तो राजकुमारी है, वो सुनते हैं जो राजकुमारी राजकुमारी है, एम्स है। डॉक्टर के नाम हम नहीं जानते, वो अथी पर होगा नाम, सब सारा रिपोर्ट करवा दिया है। इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उसके बावजूद इनसे 4,20,000 रुपये मांगा जा रहा है। इनके पोते की तबीयत खराब है, इनको ये बोला जा रहा है कि वो दवा जो मेडिसिन आएगी वो विदेश से आएगी, यानी दूसरे कंट्री से आएगी, तब इनके लड़के का इनके पोते का इलाज होगा। सोचिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि मुफ्त इलाज को लेकर, कि हर तरफ आपने सुना होगा सरकारी दवा करती है कि सबको मुफ्त इलाज करेंगे, गरीबों को मुफ्त इलाज करेंगे। सोचिए, ये कितने गरीब हैं, दूसरे स्टेट से आए हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में, देखिए कितने इनका एज, देखिए कितना ज़्यादा है, इसके बावजूद भी इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारे पास उतना पैसा, माँ उनको मम्मी उनको चौका बर्तन के काम करके तो बड़ा किराया भेजते हैं, थोड़ा खर्चा उर्चा, अब कहाँ से हम 4,20,000 रुपया लाए? गरीब आदमी, जगह जमीन नहीं है, कहाँ से घर बेचे, तभी ना उतना पैसा, कोई घर घरों न लेवे ला ना तैयार है, कैसे इलाज कराए? ये सरकार से गुहार लगा रही हैं, बोल रही हैं कि सरकार एक तरफ 5 लाख मुफ्त इलाज की बात कर रही है, दूसरी तरफ इनके बच्चे इनके पोते की तबीयत खराब है, सीरियस तबीयत खराब है, कई कितने दिन से परेशान है? 1 साल से इलाज के लिए भटक रही हैं, इनका अभी तक इलाज नहीं हो पा रहा है, 4,20,000 मांगा जा रहा है। देखिए, इनको हेल्प करिए, इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाइए ताकि सरकार इनको समझे, इनके परेशानी को समझे, और इनके जो पोते हैं उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। आपको हेल्प करने की ज़रूरत है और सरकार तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये महिला 1 साल से परेशान है अपने बच्चे की तबीयत को ख़राब को लेकर, इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं 4,20,000 रुपये। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बाहर एम्स में है, और देखिए कैसे लोग यहाँ पे कैसे लोग लेटे हुए, देखिए। इधर एम्स मेट्रो स्टेशन है, और जस्ट मेट्रो स्टेशन के सामने आप देखिए कैसे लोग यहाँ पे, तमाम लोग अपने इलाज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं दूर दूर से। सुभाष राय, कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं? एम्स। इलाज हो रहा है ठीक से वहाँ पे? हाँ, इलाज तो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना हुआ। पैसे नहीं लग रहा है ना? नहीं, इनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, इनसे पैसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे पैसा लिया जा रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।